इसके अलावा यहाँ पे आपको इसका HF देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये 12 इंचेस का, अगर आप साउंड का काम करते हो, आप कोई सिंगर हो, आप कोई पंडित जी हो। दोस्तों ये मिक्सर मैंने यहाँ से आउटपुट लिया और जैसे आप देख सकते। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीजे संजय जोशी और आज फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन संजय जोशी में स्वागत है। दोस्तों आज आपने टाइटल, थंबनेल और डेमो बिल्कुल सही देखा। आज हम इस स्पीकर के ऊपर बात करेंगे। इसका मॉडल नंबर है आउजा कंपनी का BTA 880 और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग आपको हर शहर में आउजा का शॉप मिल जाएगा, वहाँ पर लगभग आपको ये 18,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, बट मैं बता दूँ वहाँ पर थोड़ा आपको हो सकता है मे बी कॉस्टली मिले, बट आपको अपने शहर के अंदर ये लगभग इस प्राइस में मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको 18,000 रुपये के आसपास बताया। दोस्तों इस वीडियो को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। दोस्तों अगर आप साउंड सर्विस का काम करते हो तो आपके ये स्पीकर यूज़ में आएगा। आप इसको मॉनिटर बना के भी यूज़ कर सकते हो कहीं पास में रख के। उसके अलावा आप सुंदरकांड में कहीं जागरण में भी इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बोलोगे सर हम बड़ा साउंड का काम करते हैं, तो हाँ दोस्तों जब कभी लाइट चली जाए, इनकेस आपके पास जनरेटर नहीं हो, तभी आप इस स्पीकर का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि साउंड वालों के अलावा हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई सिंगर हो, आपको गाने गाने का शौक है, आप फेसबुक लाइव करते हो, आप यूट्यूब लाइव करते हो, आप इंस्टाग्राम लाइव करते हो, या आप कहीं पर भी गाते हो गाने, आप स्टार मेकर पर गाते हो, कहीं पर भी गाते हो आप गाने, तो इस स्पीकर को आप खरीद सकते हो। आप कराओके पे गाते हो आप इसको खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो वायरलेस माइक्रोफोन इसके साथ में आता है। इसके अलावा पर्टिकुलर आप इसमें अलग से भी माइक्रोफोन, लीड वाला माइक्रोफोन भी लगा सकते हो, और दोस्तों इसके साथ में आप अपना मिक्सर भी जोड़ सकते हो। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से गांव से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, कौन से राज्य से देख रहे हो। अगर आप साउंड का काम करते हो, आप कोई सिंगर हो, आप कोई पंडित जी हो, या आप उसके अलावा आपका कोई भी प्रोफेशन है जहाँ पे आप इस स्पीकर की तलाश में निकलो और आपको ये स्पीकर इस वीडियो में देखने को मिला है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे वीडियो यहाँ से देखते हैं। दोस्तों उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको इसका जो यूज़ बताया है वो मैंने आपको साउंड वालों के लिए बताया, एक सिंगर के लिए बताया। उसके अलावा दोस्तों आप कहीं भी कोई सेमिनार करते हो, कहीं भी आपकी कोई मीटिंग होती है, आप जैसे बहुत सी प्राइवेट कंपनी होती है जैसे वो अपनी मीटिंग करती है, तो सभी के लिए ये स्पीकर काम का है। क्योंकि सब जगह मीटिंग में आपको एक स्पीकर की ऐसी जरूरत होती है, तो अगर वहाँ पर अपना एम्पलीफायर लगाते हो, मिक्सर लगाते हो, इको लगाते हो, स्पीकर लगाते हो, तो इतना समय किसी के पास नहीं है जो इसको जोड़े के लगाए। ये पोर्टेबल सीधा आपको एक ऐसा स्पीकर है, टोटली स्पीकर है, इसको आप कैरी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। कहीं आपको ज़्यादा लंबा लेके जाना हो, एयरपोर्ट पर लेके जाना हो, कोई बस स्टैंड लेके जाना हो, तभी आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई भारी नहीं है, एक इंसान आराम से इसको आसानी से उठा सकता है। उसके अलावा दोस्तों कोई भी मीटिंग है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप सिंगर हो इसका यूज़ कर सकते हो, आप साउंड वाले इसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप पर्टिकुलर कोई भी ऐसा कोई भी नाटक करते हो, ऐसा कोई शो करते हो जहाँ पे आपको एक इस बड़े स्पीकर की जरूरत हो, जहाँ पे आपको म्यूजिक बजाना है, या आपका कोई डांस एकेडमी है, या उसके अलावा आपका कोई स्कूल है, आपका कॉलेज है, जहाँ पे आपको एक स्पीकर की जरूरत रहती है हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम करने के लिए, कोई ना कोई साउंड ज़्यादा बच्चों को सुनाने के लिए, तो हर जगह पर आप इस स्पीकर का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि साउंड की जरूरत हर जगह होती है, बड़ा सेटअप लगाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो उसका एक अल्टरनेटिव ये आपके सामने आया है। तो दोस्तों इसको वैसे उसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया, बाकी काफ़ी आज भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि काफ़ी लोग आज मुझसे पूछ सकते हैं हमको एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो पूरा एक ही बॉक्स के अंदर हो और सब कुछ काम उसमें हो जाए। तो दोस्तों ये स्पीकर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। आप सभी को बता कि हमेशा मैं आपको एक बेस्ट स्पीकर सजेस्ट करूँगा इस मामले के अंदर, तो आप इस स्पीकर को खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ट्रोली स्पीकर भी बोलते हैं, पोर्टेबल स्पीकर भी बोलते हैं। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, अपने गाड़ी में कैरी कर सकते हो, बाइक पर लेके जा सकते हो, स्कूटी पर लेके जा सकते हो, पीछे बैठा के किसी को, तो कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी लगा के। तो दोस्तों ये तो बात हुई सारी। अब उसके बाद दोस्तों हम इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ जिसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को बताइए, इसी तरह मैं साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त डीजे संजय जोशी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आउजा कंपनी का BTA 880 पोर्टेबल PA स्पीकर, इसको हम ट्रोली स्पीकर भी बोलते हैं, उसके अंदर चक्के लगे हुए नीचे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4 होल पास देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसका HF देखने को मिल जाएगा जिससे आवाज़ बहुत क्लियर और अच्छी सुनाई हमको देती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर ग्रिल और यहाँ पे आउजा का ब्रांड टैग। उसके अलावा आपको ये 12 इंचज़ का 50 वाट का ये पूरा PA सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, ये 12 इंच का स्पीकर इसके अंदर। दोस्तों ये तो ये इसके फ्रंट पैनल की बात। उसके अलावा अगर दोस्तों मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको उसके उठाने के लिए एक हैंडल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा पर्टिकुलर आपको ये एज जैसे आप एक ट्रॉली
को लेके चलते हो कहीं पे भी, तो आपको इसका ये वाला हैंडल देखने को मिल जाएगा जिसको लेके आप आगे पीछे इसको कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके बैक पैनल की बात करूँ, और दोस्तों ये आपको पूरा एक प्लास्टिक में, आपको बहुत अच्छा सा एक मजबूत प्लास्टिक में देखने को मिल जाएगा स्पीकर ये। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो लगभग ये आपको 18-19 किलो का वेट है, बट आपको ज़्यादा भार उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके अंदर आपको नीचे व्हील इसके रबड़ के अच्छे क्वालिटी के व्हील देखने को मिल जाएंगे जिससे आप इसको आसानी से इधर उधर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको इसका MP3 प्लेयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना SD MMC कार्ड भी लगा सकते हो सीधा, जिसमें कोई सॉन्ग्स हो या कुछ और। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव लगा सकते हो, जहाँ से पेन ड्राइव से आप अपने गाने भी प्ले कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, MP3 रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो पेन ड्राइव लगाने के बाद में। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हम अपने इसमें ब्लूटूथ जोड़ेंगे अभी, तो ब्लूटूथ जैसे मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो इसमें ब्लूटूथ लिखा हुआ आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो BT 800C लिखा गया, तो हम BT 800C पे क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। पेयर करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया कनेक्ट। उसके अलावा आप ऐसे इसमें कोई भी गाना प्ले कर सकते हो, कोई भी अपना वीडियो प्ले कर सकते हो, आवाज़ इसमें आप अपने TV में आप उसमें जोड़ सकते हो, कहीं पे भी आप इसका यूज़ ले सकते हो क्योंकि एक पोर्टेबल ट्रॉली स्पीकर है, जैसे मैंने आपको इसका यूज़ बताया। आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसकी। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं ब्लूटूथ के अलावा इसकी और बात करूँ तो यहाँ पे आपको मोड का स्विच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पर्टिकुलर ये आपको ऑन दिख गया, ब्लूटूथ दिख गया। उसके अलावा आप जब इसमें पेन ड्राइव अपना डालोगे तो उसके अलावा पर्टिकुलर आपको इसके अंदर आप उसको उसको प्रेस करके रखोगे तो बंद भी हो गया। उसके अलावा ये ऑन हो गया, यहाँ से ब्लूटूथ आ गया, पेन ड्राइव डालने के बाद पेन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा USB का, जहाँ पर आप अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इसके साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे प्ले और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। पेन ड्राइव डालने के बाद सीधा आप रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपको वॉल्यूम के दो स्विच देखने को मिल जाएंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ जोड़ने के बाद में। ये देखो जैसे आप देख सकते हो 32 तक इसका वॉल्यूम है, 32 तक ये कम ज़्यादा आप इससे भी कर सकते हो फुल, बाकी आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो ये तो इसका ये वाला पार्ट हुआ ब्लूटूथ, और इसका तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होगा क्या इसका यूज़ है। आप अगर कराओके पे सिंगिंग करते हो या कुछ भी, आपको मोबाइल जोड़ना हो कोई, उसके अलावा लैपटॉप जोड़ना हो ब्लूटूथ से, तो आप कुछ भी इसे जोड़ सकते हो और आवाज़ कोई भी गाना वाना चला सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको माइक का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, माइक का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसके दो एंटीना भी देख सकते हो, अगर आप जैसे इसका माइक यूज़ करते हो तो आप एंटीना इसका ओपन ऊपर करके आसानी से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लंबा माइक को लेके जाना है तो यहाँ से आपको इसके अच्छी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, लगभग आपको 10 से 15 मीटर तक आराम से अराउंड मिल जाएगी चारों तरफ में, ताकि आपका माइक्रोफोन कटेगा नहीं एंटीना खोलने के बाद में। और ये माइक 1 का है एंटीना और ये माइक 2 का एंटीना। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको माइक 1 का, माइक 2 का, उसके अलावा ऑक्स का और इको का इसमें एक ही स्विच दिया हुआ है, जो थोड़ा मुझे थोड़ा इसमें कमी लगा, बट कोई दोस्तों दिक्कत नहीं है। इसका इको बहुत अच्छा है, आपको अलग से इसमें मतलब आप ये मत सोचो कि आपको रिपीट या डिले या स्पीड आपको कुछ अलग से सेट करना पड़ेगा रिवर्ब को, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्पीकर को देखते हो इसका इको काफ़ी अच्छा है, आपने डेमो देखा है अभी, बट अगर आपको और भी एडवांस करना है तो आप साथ में इसमें मिक्सर भी लगा सकते हो, जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो ये इको का हो गया, उसके अलावा ये माइक 1 माइक 2 का हो गया। इसके साथ में दो माइक्रोफोन आते हैं दोस्तों, एक इसके साथ में, हाँ दोस्तों इसका ब्लूटूथ का एक रिमोट भी आता है, जो पर्टिकुलर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके साथ में एक रिमोट भी आता है इसका, जिस रिमोट के साथ में आप इसको, आपको जरूरी नहीं आपको यहाँ पे स्विच प्रेस करना, आप दूर से भी रिमोट के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ में आपको इसका ये पावर केबल देखने को मिलेगा, बहुत ही लगभग 7-8 फीट का ये पावर केबल है, आसानी से आप इसको चार्ज करके चला सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों आपको इसके साथ में दो माइक्रोफोन देखने को मिलेंगे, ये जिसमें आप देख सकते हो माइक चैनल 2 चैनल 1 फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है, ये चैनल 1 और चैनल 2 का। और उसके अलावा ये जो माइक 1 माइक 2 है ये यहाँ के पार्ट का है, और ये जो दोस्तों आप देख सकते हो वायरलेस माइक्रोफोन का जो पार्ट है सेक्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, माइक A और माइक B। इसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये माइक चलेंगे नहीं, इसको अगर मैं प्रेस करूंगा लाइट आ जाएगी। इसमें माइक A भी ऑन है, RF A RF B इसमें भी लाइट आ गई, मतलब दोनों माइक ऑन है। एक को बंद कर दूंगा लाइट बंद हो गई, एक नंबर की, ये दो नंबर की बंद हो गई। अब दोनों माइक्रोफोन पर्टिकुलर वॉल्यूम कर सकते हो, हेलो, ये माइक 2 का हेलो, और ये माइक 2 मैंने बंद कर दिया, माइक 1 ऑन है, हेलो, ये इको का स्विच है, इको का वॉल्यूम नॉब है इसका, इसको मैं ओपन करूँगा, हेलो, तो जैसे आप देख सकते हो ये इसका इको का हो गया, माइक 1 माइक 2 का हो गया। उसके अलावा यहाँ पे
जो पार्ट है वो यहाँ का मैं भी आपको बता दूंगा, यहाँ पे आपको उसका बास ट्रेबल इक्वलाइजर भी देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी आवाज़ पतली है तो आप बेस बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास भारी तो आप बेस बंद रख सकते हो। उसके अलावा आपको जैसा आपके वॉल्यूम्स, गले का वॉल्यूम है, गले की जो आपकी क्वालिटी, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। इक्वलाइजर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेबल और बेस दोनों का। हेलो 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 उसके अलावा आपको ये पर्टिकुलर एक मास्टर का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। मेन इसका पूरा कंट्रोल का मास्टर का वॉल्यूम है, ये भी आप देख सकते हो। जैसे वॉल्यूम नो बैक पूरा कंट्रोल इसका। हेलो 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 ये तो बात हुई दोस्तों इस पार्ट की, इस पार्ट की, इस पार्ट की। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके, इस पार्ट की। तो जैसे आप इसमें एक्स्ट्रा माइक लगाते हो, तो जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप एक्स्ट्रा माइक लगाओगे कैसे इसमें और कैसे यूज़ करो। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि मैं इस वाले अगर पार्ट की बात करूँ तो ये मैं एक अलग से माइक लेके आया हूँ। तो इस पर आप ऐसे दो माइक अलग से आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो उसके अलावा अगर आप कोई गिटार प्ले करते हो माइक्रोफोन के साथ में, तो आप यहाँ पे अपनी गिटार भी लगा सकते हो और गाने भी गा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अपना ऑक्टोपैड भी लगा सकते हो, कीबोर्ड भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे ऑक्स का ऑप्शन दिया आपको, माइक का दिया। दोस्तों मैं आपको इस स्विच का यूज़ बताता हूँ कि जैसे आपको कोई सॉन्ग भी प्ले रखना है और अपना माइक भी ऑन रखना है इसके साथ में, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने इसको सॉन्ग प्ले किया अभी, तो ये जो आवाज़ सॉन्ग की आ रही है तेज़, और मेरे को साथ में माइक भी यूज़ करना है, तो मैं अगर इसको प्रेस कर दूंगा तो सॉन्ग की आवाज़ कम हो जाएगी और माइक मेरा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। हेलो 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 आप देख सकते हो, तो साथ में सॉन्ग भी बज रहा है और माइक की आवाज़ भी तेज़ हो गई है। तो ये सिर्फ इसका यूज़ है। अब दोस्तों मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ और इसका यूज़ बताता हूँ। ये तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो, ये अगर अंदर रहेगा तो माइक टू इसमें वर्क करेगा, अगर ये बाहर रहेगा तो उसमें ऑक्स वर्क करेगा। तो यहाँ पे अपना ऑक्स भी आप डाल सकते हो मोबाइल से चलाने के लिए। अब जो आपकी जैक आती है, जैसे ये वाली जैक आती है, ये वाली जैक से आप मोबाइल से भी ऐसे गाने चला सकते हो, इसी तरह लीड लगा के ब्लूटूथ भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको इसको बाहर रखना पड़ेगा, और अगर माइक यूज़ करना है तो आपको इसको अंदर प्रेस करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो इसका यूज है मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको ऐसी केबल चाहिएगी। अगर दोनों तरफ ऐसी केबल होगी तो आप इसमें अपना लैपटॉप भी जोड़ सकते हो लीड के माध्यम से, ये भी आपके साथ ऑप्शन है, अगर मोबाइल भी जोड़ सकते हो। ये 3.5 जो एमएम वाली जैक होती है, हेडफोन वाली जैक जो इसके माध्यम से, तो ये भी आपको एक अच्छा सा ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसको डालने के बाद जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो ये ऊपर दो नंबर वाला रहेगा दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इसके साथ में इसका है, तो ये इसको आपको बाहर रखना पड़ेगा ऑफ से ऊपर, और आप इस दो नंबर वॉल्यूम से इसको यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर इसको चलाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्री आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये सबसे अच्छा है दोस्तों। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें अगर एक्स्ट्रा जोड़नी हो, जैसे आपको एक्स्ट्रा ऐसा से एक स्पीकर और एक्स्ट्रा जोड़ना हो, तो आप यहाँ से आउटपुट लेके एसी लीड के माध्यम से जो दोनों तरफ जिसको हम जैक टू जैक लीड बोलते हैं, तो एक आपको यहाँ डालना है और एक दूसरा आपको जहाँ पे आगे कोई स्पीकर जोड़ना है उसमें डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप आउटपुट लेके सीधा कोई इसी मिक्सर में भी डाल सकते हो, वहाँ से आप अपने और भी एम्पलीफायर मिक्सर भी जोड़ सकते हो। तो ये एक प्री आउट है, मतलब ये एक प्रकार का आउटपुट है, इसका जो सारा सिस्टम है वो दूसरी जगह आउटपुट हो जाएगा जहाँ पे आपको आगे और जोड़ना हो। उसके अलावा इसका एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड अपने मोबाइल से करोगे, आपको पर मोबाइल में अपने इंटरनल रिकॉर्डिंग चाहिए। अगर आपको अपने वीडियो के साथ में इंटरनल रिकॉर्डिंग चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग वैसे तो आप यहाँ से आप कर सकते हो, इस जगह से आप अपना पेन ड्राइव डाल के ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इंटरनल। बट आपको अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल के साथ में इंटरनल रिकॉर्डिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप एक केबल डाल के, जो केबल मैं आपको बता देता हूँ, उसके केबल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि केबल आप जो सोच रहे हो कि ये तो केबल मार्केट में मिलती है, तो मैं बता दूँ हर जैसी केबल से नहीं होगा। इंटरनल साउंड रिकॉर्ड ऐसी केबल स्पेशल बनती है जिसका काम ये होता है कि आप यहाँ से जैसे आउटपुट ले लोगे और आप अपने जैसे ही उसको मोबाइल में डालोगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो ये केबल है, ये जो प्री आउट है, तो यहाँ से इसका जो मेन मोटिव जो यूज है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको एक ऐसी केबल चाहिए जो आपको मार्केट में हर जगह नहीं मिलेगी। इस केबल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये केबल मोस्टली मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इस केबल से आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्ड होगा आपके मोबाइल में। जैसे आप कोई वीडियो बना रहे हो, या आप कोई फेसबुक लाइव कर रहे हो, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हो, यूट्यूब लाइव कर रहे हो, आप किसी लोगों को सिंगिंग दिखाने के लिए, या आपको ऐसा कोई प्रोग्राम है जो लोगों को दिखाना है इंटरनल साउंड के साथ में, तो आप यहाँ से आउटपुट लेके उसका यूज कर सकते हो। और उसके अलावा जो यूज था मैंने आपको बता दिया, तो ऐसा आपको केबल चाहिएगी और आप ऐसे अपने मोबाइल में डाल सकते हो और इंटरनल साउंड आपके मोबाइल में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आप मुझे बोलोगे कि सर हमारे पास ऐसा फोन है नहीं जिसमें ये केबल नहीं लगती, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं काफी सारे कनेक्टर आते हैं जो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों अगर आप एक आईफोन यूजर हो मेरी तरह, तो आपको एक ऐसा कनेक्टर चाहिएगा इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये आपको पता है आईफोन में सीधी लीड नहीं लगती, जो आजकल की जो आईफोन आते हैं जैसे 13 है, 14 है, 12 XR है, तो आपको एक ऐसा कनेक्टर चाहिएगा जो आपको मार्केट में वैसे मिल जाएगा, बट आपको
ओरिजिनल एप्पल स्टोर पे जो मिलेगा ओरिजिनल वाला, जिसके साथ वो आपको कुछ टाइम की वारंटी मिलेगी, उसी कनेक्टर के साथ में आप इसमें इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कनेक्टर आपको मार्केट में 200-300 मिल जाएगा, वो आपके काम नहीं आएगा। ये कनेक्टर आपको 1200 मिलेगा, जो आईफोन में भी इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर देगा। और दोस्तों आजकल तो काफ़ी ऐसे फ़ोन आते हैं जिनके साथ में आपको ऐसा कनेक्टर मिल जाता है, ताकि उनको भी पता कि उनमें अगर 3.5 का जैक नहीं लगता तो पहले ये कनेक्टर लगेगा फ़ोन के अंदर, फिर ये जो आपको मैंने लीड बताई ये वाली लीड लग जाएगी। तो कहने का ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि आप इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ से आउटपुट लेके। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सर हम जब लाइव करते हैं तो खुद को तो अच्छा सुनाई देता है, बट मोबाइल के कैमरे में मोबाइल के माइक्रोफोन से अच्छी आवाज़ नहीं जाती, तो इस वाला ऑप्शन से लीड लगा के आप बहुत अच्छी आवाज़ कर सकते हो, जो भी आपको मैं थोड़ा सा एक डेमो में बता देता हूँ। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने प्री आउट से इस लीड से आउटपुट लिया है और मैंने इस मोबाइल में इनपुट दे दिया है। तो जैसे आप देख सकते हो दोस्तों कि आप सीधा अपने कैमरे के अंदर भी आप इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो इंटरनल साउंड के साथ में, और पर्टिकुलर ये जो आप लाइव देख रहे हो, मैंने अभी लाइव किया ऑनली मी करके, तो आप लाइव के अंदर भी ये मेरा इंटरनल साउंड जाएगा जब मैं माइक्रोफोन के साथ में इस स्पीकर को यूज़ करूँगा। तो ये आप बहुत अच्छे एक ऑप्शन आपको कुछ में देखने को मिलता है, और यही आज सबकी डिमांड है कि सबको इंटरनल साउंड चाहिए होता है लाइव के अंदर अपने, चाहे इंस्टाग्राम लाइव है, चाहे यूट्यूब लाइव है, वो लाइव है, तो ये आपको एक बेस्ट ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों मुझे इसका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे आप अपने इंटरनल साउंड भी इस स्पीकर से रिकॉर्ड कर सकते हो अपने लाइव किसी भी चीज़ को, अगर आप यूट्यूब लाइव कर रहे हो, फेसबुक लाइव कर रहे हो, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। जहाँ से आप अपना इंटरनल साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव हो रहा है तो उसमें इंटरनल साउंड जा रहा है, इसके भी क्वालिटी मैं अभी आपको टेस्ट करवाता हूँ। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और दोस्तों आपको ऐसे केबल चाहिए जिसमें इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो, तो ये आपको होम डिलीवरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केबल का जो प्राइस रहने वाला है वो आपको 1 मीटर का 500 रुपीज़ रहने वाला है, और जो आपका डिलीवरी चार्ज है वो एक्स्ट्रा है। अगर आपको जैसे 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, तो पर मीटर के हिसाब से फिर 200 रुपये पर आप ऐड करते चाहिए, क्योंकि लीड बहुत स्पेशल है। तो उसके हिसाब से अगर कोई भी डिस्काउंट होगा तो मैं भी मैं आपको दे दूंगा, तो जो मेरे नंबर है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, मुझे व्हाट्सएप करिए इस लीड के लिए, तो इस लीड से आप इंटरनल साउंड रिकॉर्ड कर सकते हो जैसे आपने डेमो देखा है। दोस्तों उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप सीधा इसमें डीसी इनपुट दे रहे हो तो 12 वोल्ट का डीसी इनपुट यहाँ पे सीधा इसमें देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इसके साथ में जो केबल आती है वो आप यहाँ पे लगा के इसको पर्टिकुलर चार्ज भी कर सकते हो और कंटिन्यू पावर के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसमें जब इसको लगा के रखोगे जिससे इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो इसका मैं आपको बैटरी बैकअप बता देता हूँ। अगर आप इसमें सिर्फ गाने प्ले करते हो तो लगभग ये आपके 6 से 7 घंटे चल जाएगा, और माइक के साथ में यूज़ लगता हो तो ये आपके 4 से 5 घंटे तक आराम से आपको इसका बैटरी बैकअप दे देगा फुल चार्ज होने के बाद में। और पर्टिकुलर अगर आपका चार्ज भी खत्म हो गया है तो आप इसको पावर सप्लाई के साथ में भी कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, और साथ साथ में ये चार्ज भी आपका होता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिप का भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चार्ज का और ऑन का। मैं अभी आपको इसका पावर सप्लाई में लगा के बता देता हूँ एक बार, अभी ये ऑन है, चार्ज नहीं है, मैं पावर सप्लाई इसको लगा के बताता हूँ आपको। मैंने पर्टिकुलर इसके अंदर पावर सप्लाई लगा दिया है, तो आप जैसे देख सकते हो ये ऑन भी है अपना, ये इसका मैंने इसको बंद कर दिया पूरे सिस्टम को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ चार्जिंग ऑन है इसका, क्योंकि मैंने पावर सप्लाई इसमें दे दी है करंट के, तो इसमें चार्जिंग इसका ऑन हो गया। उसके अलावा अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन भी हो गया, साथ में अपना वर्क भी करेगा, साथ में चार्ज भी होता रहेगा। ये जो पार्ट दिख रहा है इसका कंपनी ने बहुत अच्छा सोच के बनाया है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको माइक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसके अंदर ही दोस्तों पर्टिकुलर अपने माइक रख सकते हो, इसके अंदर अपना माइक रख सकते हो, और इसके अंदर अपने पावर केबल, ये जो इसकी केबल है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सोच के बनाया इसको, तो आपको अलग से कुछ भी और भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, दोनों इसके साथ में आ जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों अगर मैं इसके क्राउड की बात करूँ, दोस्तों आप अगर इसको कोई हॉल में यूज़ ले रहे हो, कोई छोटे किसी के घर में ले रहे हो हॉल में, या कोई पर्टिकुलर कोई छोटा सा हॉल बना हुआ है, लगभग आप जैसे मान लो 15-30 का है या 20-40 का है, वहाँ पे 40 से 50 गैदरिंग है, या करीबन मेरा जो एक्सपीरियंस है अगर 70 से 80 भी गैदरिंग है, 70 से 80 लोग हैं, तब भी इसकी आवाज़ नहीं दबेगी, बट उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लगा दो सिस्टम तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट पर्टिकुलर अगर आप कोई कराओके पे यूज़ ले रहे हो, या आपका कोई मीटिंग है, आपको कुछ भाषण देना है, कुछ किसी लोगों के ज़्यादा क्राउड में आवाज़ सुनी नहीं दे रही, उस पर उसका यूज़ लेना है, या उसके अलावा पर्टिकुलर दोस्तों आपको इसका कोई ऐसे सॉन्ग बजा के यूज़ लेना है घर में, कोई शादी वादी है, कोई इवेंट है, तब भी आप इसका यूज़ ले सकते हो 50 से 70 आदमी के बीच में। अगर ये हॉल की बात है, अगर ओपन की बात है तो ओपन में आप 40 से 50 आदमी आराम से इसमें कवर कर सकते हो, वो भी आपके यूज़ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ ले रहे हो। ओवरऑल मैंने बता दिया, अगर आप ओपन में यूज़ कर रहे हो
तो 50 आदमी आराम से स्पीकर दबेगा नहीं, ये बहुत अच्छा चलेगा। और अगर हॉल में यूज़ कर रहे हो तो हॉल में पर्टिकुलर जो ये आपका स्पीकर है वो आराम से इसी तरह से आदमी करीबन, मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका यूज़ कोई जैसे कुछ स्लोक और में जैसे कोई जैसे पंडित जी मंत्र और पढ़ते हैं उसमें आप अगर इसका यूज़ ले रहे हो तो करीबन 80-100 आदमी के बीच में भी ये कहीं दबने वाला नहीं है। अगर आप कराओके पे सिंगिंग करो तो वहाँ पे भी आपको ये लगभग 70-80 आदमी कहीं दबने वाला नहीं है, आसानी सुनाई देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको नीचे इसमें आप इसको स्टैंड पे भी लगा सकते हो, जो अपने साउंड वालों का ही स्टैंड आता है तो वहाँ पे भी आप इसको लगा के हाइट पे कर सकते हो, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं दबने वाली। अगर आप इसको नीचे रखते हो तो आवाज़ दबती है, तो आप इसको स्टैंड भी एक परचेज कर लीजिए जो लगभग आपको 2,000-3,000 में मिल जाएगा। और दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कुछ दिन यूज़ कर लेते हैं तो हमने को लगता है कि यार इसमें बहुत कमी है, ये होना चाहिए था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा स्पीकर है कि इसके साथ में आप कोई भी मिक्सर जोड़ सकते हो, जो आपके बजट में हो, जो आपका पसंदीदा मिक्सर हो वो आप इसमें जोड़ सकते हो, ताकि आपको और ज़्यादा क्वालिटी मिल जाए, इको की क्वालिटी मिल जाए, आप इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा माइक भी लगा सके तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। तो आप जैसे मैं आपको एक इसके साथ में अटैच करके बताता हूँ, ये स्टूडियो मास्टर कंपनी का मिनी 6U लगभग 4,500 रुपये के आसपास का मिक्सर है। ये आप आओ जगह FM 106 DP या इससे भी ज़्यादा कॉस्टली मिक्सर है, जो इसके साथ आप स्पीकर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर उसके अलावा आप इसमें अपने गिटार, ऑक्टोपैड, 4 सिंगिंग के माइक, जब आपको 4 माइक्रोफोन लगाने, 4 माइक्रोफोन लगा सकते हो, गिटार, ऑक्टोपैड सब उसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कहने का ओवरऑल मेरा मतलब ये है कि आपके पास एडवांस ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको लेने के बाद में, स्पीकर लेने के बाद में आपका खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ है। आप खुद देख सकते हो, आपने वीडियो में देखा है कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हो इसके अलावा। तो ये हो गया। इसके अंदर अगर मैं माइक्रोफोन की बात करूँ तो आप इसमें माइक्रोफोन इनपुट कर सकते हो एक्स्ट्रा, इसमें भी वायरलेस माइक्रोफोन एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, आप इसके साथ में भी एक्सटर्नल वायरलेस माइक्रोफोन लगे भी इसमें लगा सकते हो, ये लीड वाला माइक्रोफोन है ये भी आप इसमें लगा सकते हो। और इसके बाद में यहाँ से आउटपुट लेके हम इसमें डालेंगे, अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये मिक्सर मैंने यहाँ से आउटपुट लिया और यहाँ से मैंने इनपुट दे दिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे आप इसके साथ में 2 माइक्रोफोन आपके मिलेंगे वायरलेस वाले, पर्टिकुलर यहाँ पे आप माइक्रोफोन इनपुट देते हो और एक जैक टू जैक लीड से एक मिक्सर जोड़ लोगे, तो आपका कोई ऐसा सेमिनार है या कोई ऐसा कोई सत्संग प्रोग्राम है या ऐसा कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे आपको 4-5 माइक्रोफोन लगा तो आप मिक्सर में लगा सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों की दिक्कत रहती है कि सर इस डिवाइस के अंदर जो इसका इको दिया हुआ है स्विच, एक ही ये जो इको दिया हुआ है इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, तो आप इस मिक्सर को लगा के या ऐसे कोई भी मिक्सर को लगा के आप अपनी पसंद से परचेज करके अपना इको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिले का, रिपीट का, वॉल्यूम का, मतलब स्पीड का जो अपने इको सिस्टम होता है रिवर्ब का, वो आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और पर्टिकुलर आप ऐसे अपने हिसाब से सेट करके भी सिंगिंग कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक सीमित मात्रा है ये, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हेलो तो ऐसे भी इको की सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे ये आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको जैसे आज इस वीडियो में ज्ञान मिले, आप इस स्पीकर को खरीदोगे ताकि और भी लोगों का इसमें हेल्प हो और वो भी इस स्पीकर पे आए और इसको खरीदे और वो अपने काम में इसका यूज़ ले। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आप सभी को बताया इसी तरह साउंड के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त DJ संजय दोषी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।